सपना देखनी कहा देखत आर छोड़ी के भवनवा भरत जी मैया सपना में देखली संगे संगे लोगवा हजार सीता मैया सपना में देखली संगे संगे लोगवा हजार सीता मैया सपना में देखली छोड़ी के भवनवा छोड़ी के भवनवा आर छोड़ी के भवनवा भरत जी अवतार बनवा सीता मैया सपना संगे संगे लोगवा हजार सीता मैया संगे संगे लोगवा सोवत सी सपना से देखा सीता मैया देखने राम जी से कहने सपना देखने हम कि तीनों मैया लोगावत अमंगल भेष में गुरु जी आवतनी भरत जी आवतनी आज जब इतना बात राम जी सुनने की तीनों मैया अमंगल भेष में अब तो भगवान की चिंता बढ़ी अमंगल भेष ई कैसे एकदम चित्त में बेचैनी हो गई और सपना सही हो गए दूसरा सपना रावण जब सीता जी के अशोक वाटिका में ले जाके रख ले रहे सीता जी रोवत तनी त्रिजटा से कहत नहीं कि रावण के अत्याचार से मन घबरा गेल बका जने राम जी आई कि ना आई कहे कि लंका में भी भगवान के दुदू को भक्त एगो तो विभीषण जी और दूसरा त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका अच्छा तो सीता जी के एक जटा कहल गेल कृष्ण तनु शीश जटा एक बेनी जपति हृदय रघु पति गुण श्रेणी यानी कि सीता जी के भीतर एक एक गुण बा कौन तो सतो गुण जैसे रात दिन राम जी के नाम जपत जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी और इत्रिजटा एकरे भीतर तीनों गुण बा सत रज तम राक्षसी है ना लेकिन ओकरो लगाओ के में बा आस्था के में बा त्रिजटा नाम ई तीनों गुणवा नाम के बा ओकरा भीतर राक्षसी एका ओकरो लगाओ के में रहे तो एक के गो में रहे राम चरण रति निपुण विवेका सीता जी कहने के त्रिजटा अब हमारा जिए के इच्छा नहीं क्यों जल्दी से चिता सजावा आगे लगा दा त्रिजटा कहे कि सीता आज हम रतिया में सपना देखनी है घबरा मत रावण के अंत जरूर हो का देखनी हा इस सब के नीचा दिखा के गईल हाल सन बना के गई संजू कुशवाहा जी 1000 रुपया हाल सन बना के गई आयल पल भर में वो एक बनरा सगरी लंका जरा के गई
पल भर में वो एक बनरा सगरी लंका चला के गई। कैसे हो गए तने ध्यान दिया जाए। चारों ओर पहरा लगल रहे भारी कैसे के बानर आइल फूलवारी कैसे के बानर आइल फूलवारी। रजिता कहे सीता का बताई एक एगो बानर मचोलस तबहिया एक गो बानर मचोलस तबहिया का हुई हाल राम जय है तहिया का हुई पल भर में वो एक बनरा सगरी लंका जरा के गई। आनंद कंद भगवान की कहानी। इस सपने बानर लंका जारी जात उधान सेना सब मारी। इस सगरी बतिया हनुमान जी ऊपर बैठ के सुनत रहने सीता जी कहत ने यह सपना में कहब पुकारी होई सत्य गए दिन चारी। कन्हैया दिन चारी बंदर के नाम एगो दिन चारी हवे। दिन चारी काहे कहल गइल बा तो बंदर के राती के नाई लौकेला दिन में लौकेला। कन्हैया दिन चारी इस सपना के सही करे के बा और सपना सत्य हो गए। आ तीसरा सपना पार्वती जी देखा तनी सुनहु मां तुम्हें दिखय सपना सुना बहु तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर असब उपदेश हो। एगो गौर बन के ब्राह्मण हमरे सपना में बड़ी सुंदर बात कहानी। तो एक बात जान लें अगर सुंदर ब्राह्मण कोनो बात ही कही दे तो जरूर सही होला। अब एक और मतलब ही नहीं जो करिया होके वो सब पूजा पाठ पाठ कराए। ऊपर से कुछ हो से का मतलब भीतर से बात बा। और एक बात जान ली अपने भारत में जो जन्म ले ले बा ओकरा ले सुंदर तो क्यों भई है नहीं के जोन हमन के शरीर बनल बा नहीं मिट्टी के बनल बा। जोन तरह एजा के कुहार माटी के बर्तन बनावे ला वही तरह उहो के बनावे
आज अब आवा में डलनी पाके खातिर तो कुछ मूर्तियां देखनी की अभी ओदे रहे कांचे रहे तो देखनी की ओकर ढांचा बिगड़ गल तो निकार के कबरी कर दे तो जितना अंग्रेजवा बाणा सन सब कांचे बाणा सन तो निको आंच नहीं खेला गलो कनी को कुछ मूर्ति रहे अब डलनी पाके खातिर तो देखा तनी तोले मटियो ओकर फूले लागल तो वो बाउर कार है कनियो कनियो के रूप बिगड़ गेल वो निकार के कगरी कर दे तो जितना ने चाइना वाला बाणा सन सब अखिया फूलल फूलल कोनो कर्मो के नहीं लागल अच्छा कुछ पर तो भगवान के ध्यान नहीं गए तो जोनन पर ना ही ध्यान गई उ जोर के एकदम करीखा हो गए लुआठी अपना भोजपुरी भाषा में गवई भाषा में कहल जाला तेने दक्षिण की ओर चल जाए सब करिए करिए मानस खाली दंतवे लौके लौके के अच्छा अगर बढ़िया से पाकल बनी जा तो हमनी के पाकल बनी जा आंख मुंह नाक भगवान बड़ी फुर्सत से बनौले बने एको क्रीम पाउडर लगौले के गर्ज नहीं खे बड़ी फुर्सत से बनौले बने कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें कितनी प्यारी आंखें हैं आंखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया बड़ी फुर्सत से बनोले बने कहने की मैया आज हम सपना देखनी है बेटी का सपना देख लू सुनो हो मां तुम्हें दिख यस सपन सुना बहु तो ही सुंदर गौर सुबि प्रवर असव उपदेश हो मोहि अच्छा ये होला कि मान ले कि गांव में अगर घर बनता तो सगरो एक के रंग के रही तो चिन्हाई कौनी ना कि कौन के कर घर हो तो सब अलग अलग रंग में पेंट होला तो जब हमने के पंचायती धर्मशाला मिलल ना तो भगवान तनी रंग में बदल देने क्योंकि तनी चिकन चाकन को देने गोर गा तनी के उस सौरा हो गए तो जे गोर में उमार कालर टाइट को के चला था कि हमरे संत का हुआ ये नहीं के आज एक करिया बहुरात दिन पाउडर पोता था कि तनी हम गोर लेकिन वैसे भारत के लोग बहुत सुंदर बा कनी बेटी कहा कनी ब्राह्मण देवता कहने की कहनी हाँ कि जितना जल्दी हो सके हे पार्वती एक कठिन तपस्या के घर द्वार छोड़ के और कठिन तपस्या में लीन हो जाएं तब जाके रुआ के शंकर भगवान पति के रूप में प्राप्त हो कर पार्वती जी पूरा परिवार के समझा के और कठिन तपस्या में लीन हो गए और जब तपस्या करे गई नहीं तो मैया अन्न ग्रहण कर बंद कर देने समवत सहस मूल फल खाए साग खाई सत वर्ष गमाए कुछ दिन ले फलाहारी रह के तपस्या के ओकरे बादो जब शंकर भगवान ना मिलनी तो साग खा के तपस्या के कछु दिन भोजन बारी बतासा कुछ दिन हवा और पानी के सहारे रही गए नहीं कि ये कठिन कछु दिन वो पमासा ओकरे बादो जब शंकर भगवान ना मिलनी तो पनियु पियल छोड़ देनी ससोली हल छोड़ देनी और ओकरे बाद से जो उन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई और शिवलिंग से बेलपत्र जब नीचे गिरे तो बेल पाती मही पर ही सुखाई तीन सहस समवत सोई खाई 3000 वर्ष तक उहे खा खा के रही ओकरे बादो जब शंकर भगवान नहीं मिलनी तो पुनि परिहरे वो सुखाने वो परना उमहिना मतब भय वो अपर्णा अपर्णा नाम पड़ गल आवी बेरा तारकासुर के अत्याचार भड़ल रहे वो अत्याचारी तारकासुर वरदान प्राप्त कैले रहे कि अगर हमार मृत्यु होई तो शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय जी के हाथ से होई
आईने शंकर भगवान के स्थिति का बा ई जब ते सती जाई तन त्यागा जब ते सती जाई तन त्यागा तब ते शिवा मन भयो रागा तब ते बाबा बैरागी के रूप बना के चारों ओर घूमत रहने कहा जाला कि सती जी के मृतक शरीर के कितना दिन ले अपने पीठी पर लाद के लेके घूमल बने विष्णु भगवान अपने चक्र से काट के श्रीमद देवी भागवत महापुराण में ऐसा कथा कि 52 भाग में विभाजित कहने और जहां जहां गिरल तहां तहां शक्ति पीठ बन इन्हें सब देवी देवता लोग चिंतित हो गए कि पार्वती जी तपस्या में लीन बने और शंकर भगवान राम जी के भजन में बैरागी के रूप बना ले ले बने आ जब तक ही विवाह हो ही ना तो ले कल्याण हो ही ना के होके सब लोग कामदेव जी के शरण में गए और जाके आग्रह कर के हे कामदेव जी शंकर भगवान के मन में विवाह के भाव जगाएं अब कामदेव जी चलल बने बड़ा जोर से अपन प्रभाव विस्तार के बसंत ऋतु आ गए साफ नदी उमड़ पड़ के लगल समुद्र के ओर भागे आपस में पेट टकरा टकरा के लगल गिरे जितना साधु संत तपस्या करते रहे सब तपस्या छोड़ छोड़ लगे सारा लोग भागे लगल कामदेव जी आम के वृक्ष पर बैठ के अपने काम के बाण चला देने जब काम के बाण छोड़ने तब शिवती सर नयन उघारा तब ते काम भय हुजरी छारा कामदेव जी जर के राखी हो गई रति जी जाके विलाप करे लगने की हमारे पति देव के क्षमा कर दी अब वहां के दर्शन कब हुई हमारा के तब शंकर भगवान कहने की हे देवी कृष्ण तनय होई हाहि पति तोरा कृष्ण तनय होई हाहि पति तोरा कृष्ण तनय होई हाहि पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा बार बार रति जी प्रणाम करके ऊजा से वापस गए अब सब देवता लोग शंकर भगवान के सामने आए सबसे आगे विष्णु भगवान के कहल गए कहने हाथ जोड़ के बाबा सकल सुरन के मन यस कहने की आज गंगुआ गांव में बड़ी भक्तन के भीड़ जुटल बा बड़ी सुंदर यज्ञ के आयोजन भइल बा समस्त देवी देवता सबके आवाहन भइल बा सबकर ये इच्छा बा का सकल सुरन के मन यस शंकर परम उछा निज नयन देखा चहु नाथ तुम्हार विवाह कने के राउर विवाह देखल चाहत नहीं कने अवश्य विवाह हुई ओजा से चल रहे कहे कि बड़हन लोग कहीं जाला तो धीरे धीरे रुके ला ना है तुरंत ओजा से भाग जाला कि वो हमरा से कुछ मांग मत दे गौण लोग कहल कि ये बाबा अब बियाह खाती तो हो कही देनी कोनी हो ये सरकार बियाहवा कोनी होई कनी का बात बा तना घर में चाउर बाना आटा बाना दाल बा नहीं को कोठरी बा कुछ नहीं के आता ना गौण लोग कहले बाबा कुछ बाना बिया कोनी तरह होई चिंता बा बाबा कहनी जब होइए नहीं के तो काई बात के चिंता बा रोहे तब न सोचल जा एक बार एक जने सेठ जी पंडित जी के बुला के लेने कहनी बाबा
हमार दिन दशा बड़ी बाहर चलता, शनि के कुदृष्टि हो गई बा। अच्छा अच्छा कोने उपाय बताई बाबा, कहनी एगो श्यामा गाय एगो करिया गाय को ब्राह्मण के दान कर दे। कहनी बाबा बड़ी महंगा होता है, बड़ी तंगी चलता है, 11 गो ब्राह्मण के भोजन कराई वस्त्र दई दक्षिणा। अरे बड़ी ढेर होता, कुछ हलू बताई ना। कहनी तो एगो कार करे जाई घर में से दू हाथ करिया धागा ले आई, गोइले घरवा में से निकल के बाहर आइले कल धागवा दी। कहनी का कही बाबा संजोग से वो नहीं कौनी ततार सनिचर भगवान का बिगाड़ कुछ रो है तो ना चिंता कर गौण लोग की बाबा भी आवा होई कोने तर तो कौनी जे हाँ करो ले बाबू जानो हमरा काहे बात के चिंता। नजरिया घूमला हो, अरे नजरिया घूमला हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम। एक बार प्रहलाद जी अपने मित्र मंडली के साथ घूमत जात रहने, रास्ता में देखनी कि एगो बुढ़िया माई बैठ के खूब रोवत रहनी। प्रहलाद जी रुक गए, पूछनी का बात बताए बदे रोवत नहीं। बुढ़िया माई कहने प्रहलाद जी, हमनी जात के कुहार हैं और हमार मालिक मिट्टी के बर्तन बनाईला, हमरे घरवा में बड़ी बढ़हन बढ़हन मिट्टी के घड़ा बना रहला, एगो बिलाई बच्चा देले रहला सिया, सगरो बचवा में से जाके ये गो बचवा उई घड़ा में बैठ गई रह। आ जब आमा में बर्तन डाले के भैला पाके खातिर, तो सगरो बर्तन के संगे उहो घड़ा उई आमा में पड़ गेल बा जौना में बिलाई के बच्चा बा। भगवान से हे प्रार्थना करतने कि हे प्रभु वो बिलाई के बच्चा के रक्षा कर, भले हमार सगरो पुण्य लाग जा। सब मित्र मंडली कहली कैसे हो सकेला, आमा में घड़ा बा घड़ा में बिलाई के बच्चा बा, ला ला लागी जरा तक कैसे बची। प्रहलाद जी कहानी की अगर भजन होई तो कुछ हो सकेला। और भैल का इक कुहारे आमा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा, इक कुहारे आमा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा, वही कुहार यौवा के भीतर बच गए बिल्ली के बच्चा, वही कुहार यौवा के भीतर लाल लाल आगी जरत रहे जी। और भैल का भजन के प्रभाव ऐसा भैल जरते यौवा ऊपरा कोहरा के बिलरिया घूमेला, जरते यौवा ऊपरा कोहरा नजरिया घूमेला, हरदम भक्त नव परा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भक्त नव परा प्रभु जी के हरदम भक्त नव परा प्रभु जी। बोलिए दक्ष भगवान कहने की हाँ करो ले बाबू जानो हमरा कोनो चिंता नहीं के। अब जब शिव देवी देवता लोग सबके ये इच्छा रहे, बाबा भोलेनाथ जी कहने विवाह तक करब लेकिन हमरो शर्त बा का हम पार्वती के परीक्षा ले, कहे कि वहां के हमरा प्रभु जी के परीक्षा ले। अच्छा सती जी के त्याग कर देने कल गल की जाके प्रिय न राम भय देही, जिकरा सीता राम ना भाई ओकर त्याग कर देवे के चाहिए। तो सती जी के तो त्याग कर देले बने, लेकिन पार्वती जी के अपनौनी कोने तरे सती में राम जी नाम मिल गए और पार्वती में रो मिल गए। नामकरण नारद जी कहनी नाम उमा अंबिका भवानी, तब पार्वती में रो मिल गए उमा में मौ मिल गए,
रो अमो दोनों मिल गए, राम जी मिल गए नहीं अपना लेने, परीक्षा लेनी वहां के सती जी पार्वती जी के। सप्तऋषि लोग गल जाके समझावत काई इतना, वो बहु राहे खातिर तपस्या करतन। पहले तो सती से विवाह कइले, उनके रक्षणा को पोले तो रावण का रक्षा करी। अब श्री परशुराम गुप्ता और लखनलाल गुप्ता जी, ये जो गुप्ता जी लोग बड़ी गुप्त रूप से धन धैले वाले, भगवान के कृपा बरसत रहे, खूब स्वस्थ रहे सब, धन धान्य से परिपूर्ण। अब सप्तऋषि लोग गए तपस्या परीक्षा ले, शंकर भगवान